फ्रेंड, आज बात करते हैं फायर फ्लाइज के बारे में और कहाँ पे कैंपिंग करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम MD आर्यन आलम है और मैं आज बात करेंगे फायर फ्लाइज के बारे में कि कौन सी जगह सही है फायर फ्लाइज के लिए। पहली बात, फायर फ्लाइज महाराष्ट्र में कई जगहों पे होता है और फायर फ्लाइज जो है उनकी लाइफ काफ़ी कम होती है। ऑलमोस्ट 39 डेज से लेकर के 48 डेज के अंदर ही उनकी लाइफ होती है। तो फायर फ्लाइज का जो समय होता है देखने के लिए वो काफ़ी कम होता है, तो आपको पहले से ये सब बुकिंग्स वगैरह कर लेनी चाहिए। और फायर फ्लाइज जो होता है भंडारदरा और परबलमाची, राजमाची, पुरुषवाड़ी, यानी कुछ ही जगहों पे होता है, और भी जगह है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं आपको शायद बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जितनी जगह हैं। तो आज पहला हम बात करेंगे कि भंडारदरा में फायर फ्लाई कहाँ पे जाना सही रहेगा और कैंपिंग के लिए कैसे कांटेक्ट करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले भंडारदरा में आप लोग कभी भी कैंपिंग के लिए जाए तो जहाँ पे आप फॉरेस्ट एरिया चार्ज भरते हैं ना, सेंडी, जगह का नाम सेंडी है, तो उसके 1-2-3 किलोमीटर के एरिया में जो है ना बुकिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेस अच्छी नहीं है। अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो आपको मजा भी नहीं आएगा, आपका मूड खिरखिरा हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम जो बोलते हैं ना कि भंडारदरा के जो जहाँ पे जो आप फॉरेस्ट पास भरते हैं, जो फॉरेस्ट चार्जेस भरना पड़ते हैं, वो 4-5 किलोमीटर आगे जा कर के आप कहीं पे भी रुकें और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी ग्रुप के साथ जाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, कि ग्रुप के साथ एक ही बेनिफिट होता है कि आपका जो अरेंजमेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा तो वो मैनेज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ग्रुप के साथ गए फायर फ्लाइज देखने के लिए और वहाँ पे जैसे खाना वगैरह अच्छा नहीं होता है, तो ग्रुप, जिस ग्रुप के साथ जाते हैं ना, वो हाथ में खाना तो लाके नहीं देगा लेकिन खाना का अरेंजमेंट ज़रूर कर देगा कहीं ना कहीं से, या नाइट में कहीं और रुकने का व्यवस्था कर देगा। वो मतलब उसकी पूरी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको भी मतलब बोलते हैं ना कि सर्विसेज अच्छा देना ही उनकी पहली प्रायोरिटी होती है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि मतलब उनकी माइंड थ्योरी रहती है कि हम तो लग्जरियस सोच करके आए थे, जैसे रेस्टोरेंट में एसी हो वैसे उनको लगता है कि टेंट में भी एसी होगा, तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी कहीं पे भी रुके महाराष्ट्र के वेस्ट विलेज एरिया में, तो फूड जो होता है आपको चाइनीज वगैरह नहीं मिलेगा, खाना जो होता है उनका विलेजियस खाना होता है, विलेज में जैसे खाना बनते हैं वैसा खाना मिलता है। तो उसमें भी मतलब थोड़ा अच्छी सर्विस हो जाती है ग्रुप के थ्रू, मेरे कहने का मतलब यही है। और राजमाची भी जाए, वहाँ पे भी अच्छा खासा फायर फ्लाई जाते हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि किसी ग्रुप के साथ ही जाए, ताकि अगर आप टेंट में रुकते हो, अगर बारिश आ गई तो ग्रुप ही जो है वो आपको मतलब किसी रूम में रुका सकता है, ऐसे ऑन द स्पॉट तो रूम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ग्रुप वाले पहले ही मतलब जगह बुक कर लेते हैं। और बारिश आ गई तो टेंट तो फ्लोटिंग टेंट बन जाएगा, मतलब पानी के ऊपर बहने वाला बन जाएगा। और कलावंतिन दुर्ग, जिसको परबलमाची बोलते हैं, वहाँ पे भी फायर फ्लाइज काफ़ी अच्छे आते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब अच्छी जगह है वो। और मैं यही रिकमेंड करूँगा ग्रुप के साथ जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि अकेले जाने से क्या होता है, आपकी पर्सनल गाड़ी है तो ठीक है। और दूसरी बात जो है कि ग्रुप के साथ एक बेनिफिट ऐसा रहता है कि फायर फ्लाइज का जो ट्री वगैरह जो होता है ना, वो ग्रुप वाले को मालूम रहता है, तो वो आपको अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे और दिखाएंगे। बट आप खुद से जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, बाहर घूम सकते हो, बाहर का एरिया में फायर फ्लाइज ढूंढोगे, ऐसा नहीं कि फायर फ्लाइज नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन वो फायर फ्लाइज जो क्रिसमस वाला जो फील होता है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पर्सनल
और ग्रुप में आने जाने का यही बेनिफिट होता है कि आपको पर्सनल जाना है या ग्रुप में जाना है, समझ रहे हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, भंडारदारा के अंदर कभी भी आप बुकिंग करते हो तो सैंडी एरिया छोड़ करके कभी भी बुकिंग करें। जो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उधर का भंडारदारा में, कि एक तो कैंपिंग में मतलब बोलते हैं कि लीड नहीं, मतलब जो गांव वाले जो होते हैं वो आदमी सही नहीं होते हैं, और उनको मतलब सपोर्टिंग का बहुत बड़ा ये बोलते हैं ना कि घमंड रहता है, ठीक है सर्विस ख़राब हुई तब भी वो पैसा आपसे वसूल लेंगे, और फॉरेस्ट वाले का भी मिली भगत रहता है उसके अंदर। तो अब मैं नाम नहीं लिख रहा कौन से फॉरेस्ट वाले हैं, लेकिन बिना मिली भगत के तो इतना पॉसिबल नहीं है। और मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग वहाँ पे दारू वगैरह भी पीते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करिए सैंडी एरिया। मतलब सैंडी एरिया क्रॉस करके अगर कैंपिंग है ना तो काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन अगर सैंडी में है, बोलते हैं ना कि सैंडी गांव के 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई कैंपिंग है तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से फायरफ्लाई देखने जाने के लिए भी काफ़ी दूर है। और कभी कभी बोलते हैं ना गांव वाले जो दिखाने वाले रहते हैं वो तो समझो कि मतलब क्या बोलो, बाबा ही समझ लो उसको, वो कभी भी गायब हो सकता है आपको बिना दिखाए हुए। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि भंडारदारा का सैंडी एरिया में तो फायर फ्लैश के लिए मत जाइए, ठीक है, आप राजमाची जाइए, काफ़ी हेल्पफुल बंदा रहते हैं वहाँ पे, और इधर भी जा सकते हो आप पुरुषवारी ग्रुप के साथ जाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं वहाँ पे लोग। आप इधर जाइए परवल माची जाइए कलावंती दुर्ग में फायर फ्लैश के लिए, वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं लोग। करजत में भी एक दो जगह है सीक्रेट फायर फ्लैश, मैं किसी का बिजनेस ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, तो ग्रुप के साथ जाइए, काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनका इंतज़ाम भी अच्छे रहते हैं टेंट के अंदर, खाना वगैरह भी सब अच्छा रहता है। और लेकिन यही कहूँगा कि भंडारदारा में कभी भी एंट्री जहाँ पे आप फॉरेस्ट पास भरते हो ना, उसका 2-4-5 किलोमीटर छोड़ करके, मैं क्यों वहाँ के बहुत ही मतलब जो एरिया जो है ना काफ़ी मुझे ख़राब लगा, और मेरा ही नहीं मतलब जो उस वक्त जो लोग थे 200-250 लोग, उन सबको ना खाना पसंद आया, ना सर्विस पसंद आया उनका, ना उनके बात करने का बिहेवियर, और टेंट में कोई भी लोग बैठे हैं दारू पी रहे हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि फैमिली वाले तो जगह नहीं, हाँ बेवड़ों के लिए ठीक है, बेवड़ों के लिए तो जन्नत ही होगी है ना वो, लेकिन फैमिली वाले तो जगह सही नहीं है मेरे ख्याल से। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं किसी ग्रुप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मैं ग्रुप का नाम ज़रूर दे दूँगा, नंबर भी दे दूँगा, मैं काफ़ी अच्छे ग्रुप को जानता हूँ। तो एनीवे, बाय एंड गुड लक एंड